ऐसी आवाज नहीं चलती। कित्तूर तो वीर भूमि है जिसने देश भर को आजादी का संकल्प दिया। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और दोनों हाथ का मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान बसवराज बोम्बाई जी, आज बसवराज जी का जन्मदिन है, सभी लोग ताली बजाकर उनको अभिनंदन दीजिए। भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी एस येदुरप्पा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नलिन कुमार कटील जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, श्रीमती मंगला अंगड़ी जी सांसद बेलगांव के, श्री गोविंद कारजोल जी, श्रीमती शशिकला झोले जी, श्री लक्ष्मण सऊदी जी, मंच पर उपस्थित जिले और प्रदेश के सभी विधायक, संगठन के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, और आज दो घंटा लेट होने के बावजूद इतनी विराट संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं देवी यलम्मा के चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब मैं कित्तूर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, तब महान क्रांतिकारी, आजादी जिनके रक्त के कण कण में थी, चिन्नम्मा रानी को भी प्रणाम करकर मैं आगे की बात करना चाहता हूं। यहां पर जगत ज्योति बसवन्ना को प्रणाम करता हूं। मैं यहां पर स्थित श्री योगेश्वर साधु संस्थान मठ, श्री कला मठ, श्री सिद्ध रामेश्वर मठ, श्री सिद्धारूढ़ मठ, ये सभी मठों को भी प्रणाम करता हूं, और साथ में जन योगाश्रम के श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी स्मरण कर मैं उनको प्रणाम कर बात करना चाहता हूं। मित्रों, आज कित्तूर की ये भूमि, कोई भी व्यक्ति यहां आता है तो रानी चिन्नम्मा की वीर दहाड़ को कैसे भूल सकता है। और कर्नाटक के अंदर रानी चिन्नम्मा हो या अनेक क्रांतिवीरों ने बहुत सारे युद्धों के अंदर अपना बलिदान दिया था। यहां पर वीर सावरकर के साथी अलूर वेंकट राव को भी मैं जरूर याद करना चाहता हूं। कर्नाटक कुल पुरोहित अलूर वेंकट राव ने वीर सावरकर को बहुत बहुत प्रकार की मददें की थी। मैं भी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने विधानसभा में वीर सावरकर का चित्र लगाकर सावरकर जी को पूरे कर्नाटक की ओर से श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, आज मैं विजय संकल्प यात्रा में इसकी बेलगांव में शुरुआत करने आया हूं, तब मैं आपको ये बताने आया हूं कि विजय संकल्प यात्रा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का शुभ शुरुआत। कर्नाटक की जनता ने अप्रैल मई में यह तय करना है कि अगले 5 साल तक एक कर्नाटक की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। एक और ये दो परिवारवादी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में
भारत को दुनिया में सर्वप्रथम ले जाने के लिए प्रयास करने वाली राष्ट्रभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, कर्नाटक की जनता ने ये तय करना है कि आने वाले दिनों में किस सरकार को चाहते। एक और 25-30 सीटें प्राप्त कर कांग्रेस की बैसाखी के आधार पर सरकार चलाकर एक परिवार के राज को कर्नाटक पर थोपने वाले जेडीएस का शासन है। एक और कांग्रेस पार्टी को यहां पर जब सरकार बनी तब दिल्ली के हुक्मरानों के एटीएम का काम कर कर्नाटक को गले तक भ्रष्टाचार में डुबोने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये जेडीएस और कांग्रेस आपको दो दल दिखाई पड़ते हैं, मगर मैं समग्र कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं, जेडीएस को दिया हुआ एक एक वोट अंत में कांग्रेस के ही काम में आने वाला है, कांग्रेस को ही जिताने वाला है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने देश भर के अंदर चाहे गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सबके विकास के लिए काम कर आज देश को दुनिया का पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि अलग अलग वादे दे रहे हैं, मगर मैं आपको एक बात कहने आया हूं कि कर्नाटक का विकास, भारत का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए, लगभग 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को घर में शौचालय दिया, 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा घर में दिया, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का सारा खर्चा किसी भी बीमारी का आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। मित्रों, और 2.5 साल से कोरोना के बाद हर गरीब परिवार को, हर व्यक्ति, हर माँ 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस को, आपने गरीबों के लिए क्या किया है? माताओं, भाइयों, बहनों, आज यहां इतने सारे लोग उपस्थित है, आप मुझे बताओ, आप सबने कोरोना का वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है? जरा लिया है अपने हाथ ऊपर करिए तो। दोनों वैक्सीन लग गए ना? जोर से बोलिए, लग गए ना? किसी को एक पैसा देना पड़ा है क्या? जोर से बोलिए, देना पड़ा है? उस वक्त येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे, मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के हर घर के अंदर मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। देश के 130 करोड़ को मुफ्त वैक्सीन लगाकर, दोनों टीका देकर, बूस्टर डोज देकर, इस सबको, पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के आने के बाद 2 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया। पहली बार एक गरीब दलित के बेटे श्रीमान रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, और दूसरी बार एक अत्यंत गरीबी में से ऊपर आई हुई नेत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया। दलित और आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बधाई कर्नाटक के नेताओं को
और मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि महादाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार को साथ में लेकर कर्नाटक की प्यासी धरती को महादाई का पानी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आज मैडम सोनिया गांधी को 2007 का उनका गोवा में दिया हुआ भाषण याद कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि महादाई के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। 2022 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक को महादाई की एक बूंद पानी न मिले। मैं आज आपको कहने आया हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों के बीच में इतने पुराने झगड़े का समाधान कर महादाई का पानी कर्नाटक को देकर कर्नाटक के कई जिलों के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी यहां पर थी तब उत्तर कर्नाटक के लिए क्या किया ये भी मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 73 किलोमीटर लंबी धारवाड़ कित्तूर, कित्तूर से बेलगावी रेलवे लाइन पर काम शुरू कर दिया है। ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन 927 करोड़ लगभग 1000 करोड़ के खर्चे से बनेगी और धारवाड़ और बेलगांव के बीच के यात्रा का समय कम होकर सिर्फ 1 घंटा बच जाएगा। कित्तूर के अंदर 1000 एकड़ में मेगा औद्योगिक टाउनशिप बनेगी, 50,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और सिंचाई की सुविधा करने के लिए श्री चेन्नई वृषभेंद्र लिफ्ट इरिगेशन योजना भी बनाई जिससे बड़े 20 तालाब भरकर 520 करोड़ रुपए का खर्च इसमें होना वाला है। बिलहोंगल में संगोली रायन्ना के स्मृति में रायन्ना सैनिक स्कूल का निर्माण हमने पूरा कर दिया है और अब 23-24 के शैक्षणिक वर्ष में वहां से सेना के जवान निकलेंगे। खानपुर के 100 गांव में प्रत्येक घर के पीने के पानी के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मित्रों, इसके अलावे नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है या नहीं है? कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को, जवाहरलाल नेहरू की ये भूल को गोदी में एक बच्चे की तरह खिलाती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। ये कांग्रेस पार्टी, ये जेडीएस, वो कहते थे कि यहां पर कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, सिद्धरामैया जी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर लगाने की हिम्मत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद जो आए दिन देश भर में घटनाएं करता था उससे देश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। समग्र विश्व में भारत के सम्मान को मोदी जी ने आसमान तक पहुंचाने का काम किया है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको महत्व मिलता है। और मित्रों, मैं मानता हूं कि ये जो सम्मान हो रहा है वो देश के प्रधानमंत्री जी का नहीं हो रहा है, ये सम्मान जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है, ये सम्मान जो हो रहा है कित्तूर की जनता, बेलगांव की जनता और
कर्नाटक की और भारत की 130 करोड़ की जनता का दुनिया में सम्मान हो रहा है। मैं आप सभी को यही प्रार्थना करने आया हूं। मोदी जी भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 11वें स्थान पर छोड़कर गई थी, इसको 5वें स्थान पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है जो भी सिद्ध करने वाला है। और मित्रों, ये काम अगर करना है